नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। किडनी में पथरी को सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं में से एक माना गया है। इसे नेफ्रोलिथियारीज भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्रिस्टलीय मिनरल पदार्थ होता है जो किडनी, मूत्रमार्ग, पित्ताशय, प्रोस्टेट, पैंक्रियास या पाचन तंत्र के रास्ते में कहीं भी हो सकती है। पथरी का आकार छोटे दाने से लेकर गेंद जितना बड़ा हो सकता है। पथरी कभी कभी प्रभावित क्षेत्र के आसपास गंभीर दर्द पैदा कर सकती है और मूत्र मार्ग को भी बाधित कर सकती है। ऐसे में कुछ प्राकृतिक उपचारों से पथरी का आसानी से इलाज किया जा सकता है। इसमें नींबू बहुत मददगार साबित हो सकता है। माना जाता है कि नींबू के इस्तेमाल से पथरी का इलाज संभव है। पथरी कठोर होती है और ये एक या दो किडनी में बन सकती है। जब यूरिन में मिनरल का स्तर उच्च होता है तब पथरी का निर्माण होता है। बता दें, एक अध्ययन में पाया गया है कि साइट्रिक एसिड पथरी के निर्माण को रोक सकता है। शोध से पता चलता है कि नींबू का उपयोग कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल के निर्माण को रोक सकता है। इन क्रिस्टल को स्टोन के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए पथरी को होने से रोकने के लिए आहार में खट्टे फलों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा विटामिन सी पथरी की समस्या को पनपने से रोक सकता है और नींबू को विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है। लिहाजा कहा जाता है कि पथरी से निजात दिलाने में नींबू का रस मददगार हो सकता है। माना जाता है कि साइट्रस फल जैसे नींबू में पथरी बनने की प्रक्रिया को रोकने का गुण पाया जाता है। नींबू पानी में आवश्यक साइट्रिक एसिड, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पथरी को बनने से रोकने और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। आप नींबू के रस को पानी में मिलाकर इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप नींबू के रस के साथ सेब का सिरका मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से नींबू के द्वारा आप स्टोन की समस्या से छुटकारा पा सकेंगे।